गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे जी। और करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। तो सारे अनु सत श्री अकाल, अदाब, नमस्कार। तो भाई लोगों, अब हो चुकी है पैकिंग चालू। और आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं जाऊँगा कहीं ना कहीं लॉन्ग राइड पे जाऊँगा। तो आप लोगों को बता दूँ भाई, जो पहले हमारी ट्रिप की प्लानिंग चल रही थी उससे बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है ट्रिप। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ जाते हुए यहाँ कैसे आ गए और यहाँ जाते हुए वहाँ कैसे पहुँच गए। मतलब सब कुछ डिफरेंट सा हो गया। एनीवेज भाई लोगों, 15-20 मिनट पहले उठा ही था भाई लोगों और ये सारे कपड़े ऊपर से कलेक्ट करके लाया हूँ। पूरी अलमीरा खाली कर दी है, मतलब थोड़ी बहुत ही खाली कर दी और उसको ले आया कपड़ों को। अभी पैकिंग शेकिंग करेंगे भाई लोगों, टॉप बॉक्स वगैरह में, पैनियर्स वगैरह में। और 2-3 आइटम मैंने कुछ मंगवाए हुए हैं, वो भी आपको जल्दी से दिखाने वाला हूँ। भाई एक चीज़ मंगवाई हुई थी जो मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर करूँगा, बट कर नहीं पाया था क्योंकि मैं सोच रहा था इसका अलग से व्लॉग बनाऊंगा, बट बन नहीं पाया। भाई ये पैनियर है, ऊपर से पूरा एल्युमिनियम है, एलॉय बॉडी में है ये। साइड में ये मैंने कुछ स्टिकर्स इस पर लगा दिए, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। ये मैंने कुछ स्टिकर्स लगाए यहाँ पर, स्पीति, लद्दाख, खारदुंगला, पेंगोंग, जोजिला, सारे पासिस के जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और ये भाई इसका बैकवर्ड एरिया है, ये इसका साइड एरिया है, ये लॉक्स का है इसमें, और ये साइड वाला लॉक है जो पैनियर में लॉक होगा, और ये साइड के लॉक्स हैं जो उसमें शटर में लगते हैं। एनीवेज भाई लोगों, जो रॉयल एनफील्ड वाले थे वो थे 27 लीटर्स के, जो मेरे को बहुत कम स्पेस लग रहा था। और जो अभी अपन ने लिया है वो है भाई 36 लीटर शिंगलिंग कंपनी के, बहुत ही अच्छे पैनियर्स लगे। और सेम मेरी क्या है ना, टॉप बॉक्स से मिलते जुलते आ गए। टॉप बॉक्स ही मेरा इसी कंपनी का था, शिंगलिंग कंपनी का। तो अभी मैं पूरा सेट ना बड़ा सेक्सी लगेगा जब बाइक पर लग जाएगा। तो बाइक पर लगने के लिए अभी टाइम है, आई मीन 8-10 दिन 15 दिन तो है ही है। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसका, अंदर से इसका क्या सीन है, सबसे बेस्ट कहती है इसमें चीज़ मुझे क्या लगी। लुक भाई, इसके अंदर है ना सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, ये लेदर की कुशनिंग दे चुकी है इसमें। यहाँ पर भी देखो लेदर की इसमें कुशनिंग दे दी है, और साइड से ये हट भी जाती है। ये वॉशेबल है, ये देखो भाई ये वॉशेबल है, डबल टेप से ऐड होती है ये, और ये हट के वॉश भी जाती है। और पहले वाले में क्या था यार, मुझे ना अंदर में कपड़े में डायरेक्ट रख नहीं सकता था, अभी मैं इसमें मैं डायरेक्टली अपना सामान रख सकता हूँ। तो अभी जो पैकिंग होने वाली है वो मेरी डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट ही कपड़े रखूँगा मैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। ये इसका दूसरा सेट पड़ा है अभी थैली में पैक है, इसको भी निकालेंगे। पैकिंग हो गई है चालू, तो 5 मिनट में थोड़ा सा हल्का फुल्का पैक करके फिर आपसे मिलता हूँ। कितनी पैकिंग करी है, कैसे पैकिंग करी है, सब बताऊँगा मैं आपको। सो फाइनली भाई लोगों, पैकिंग हो चुकी है डन, और मैं भी नहा धो के आ चुका हूँ ऊपर से यार। बस थोड़ा सा ना काम करते करते थक गया तो मैं ऊपर गया और जल्दी से नहा के आ गया। एनीवेज भाई लोगों, मेरे हुए दो, एक बैग और दो पैनियर और एक टॉप बॉक्स पैक हो चुका है। थोड़ा सा आपको मैं लुकआउट करवा देता हूँ भाई लोगों। ये एक पैनियर पैक हो चुका है मेरे कपड़ों का, एक ये वाला पैनियर पैक हो चुका है कपड़ों का, और ये अपना टॉप बॉक्स जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक है भाई, सारा कुछ इसमें ही, अपना DSLR, GoPro वगैरह सब इसी में ही होगा। और एक बैग पैक किया है भाई ये वाला, इसमें अपने रखे हैं भाई एक पेयर शूज़, एक पेयर एक्स्ट्रा स्लीपर्स, और भाई हेलमेट का ऊपर का कवर, और साथ में चैन ल्यूप, चैन कवर, सारा कुछ इसमें वो रख लिया, चैन क्लीनर। तो मोस्टली भाई सारी पैकिंग हो चुकी है, कुछ पैकिंग रह गई है लाइक मेरा मोबाइल चार्जर, वो लास्ट टाइम पे ही है। बस ये है कि यार कुछ भूल ना जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर लास्ट टाइम पे अगर कुछ भूल गया तो। बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सारा कुछ अपन ने रख लिया है, बस ये DSLR रह गया है, इसकी बैटरी चार्जर वार्जर सब रख लिया है। और भाई लोगों, GoPro चार्जिंग पे है, कुछ गैजेट्स हैं जो अभी भी रह गए हैं जो पैक करने हैं, तो वो लास्ट टाइम में अपन 1-2 दिन पहले कर लेंगे, उसके उस पर भी एक व्लॉग बनाऊँगा। और अभी नहीं बता सकता भाई लोगों अपन कहाँ जा रहे हैं, बट आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सोचा था क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं कुछ पता लगा कि सोचा क्या था, जा कहाँ रहे हैं, हो क्या रहा है। बट जो भी है अच्छा हो रहा है, और आने वाले टाइम पे भी जो भी व्लॉग्स होने वाले हैं वो भी अच्छे होने वाले हैं, आई एम डैम श्योर। बट जो ये राइड है वो बहुत अल्टीमेट होने वाली है, बहुत लॉन्ग राइड होने वाली है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड। तो मतलब अगर मिनिमम आपको बताऊँ तो मेरा रहेगा ये 7-8 दिन का ट्रिप, और उस 8 दिन में ना भाई मेरे सबसे मिनिमम 4,000 से लेके 5,000 किलोमीटर में बाइक चलने वाली है। तो आप सोच सकते हो कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल की राइड होने वाली है। एनीवेज भाई लोगों, बहुत मज़ा आ रहा है, और मैंने बाइक में कुछ माउंट्स लगा दिए 2-3 जगह पर क्योंकि अच्छे अच्छे शॉट्स निकालने हैं, अच्छे अच्छे
रील्स निकालनी है और अच्छे अच्छे यूट्यूब के लिए भी शॉर्ट्स वगैरह निकालने हैं, तो मतलब फुल ऑन मज़ा आने वाला है। तो बस साथ में भाई लोगों को बने रहना, बहुत जल्दी ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज़्यादा ही जल्दी या कुछ एक दो दिन में, नहीं, अपन निकलने वाले हैं भाई 24 को अर्ली इन द मॉर्निंग, तो फुल ऑन चकाचक मज़े आने वाले हैं। तो प्लीज़ साथ में बने रहना, फुल ऑन ऐश मस्ती करने वाले हैं। तो अभी लेके चलता हूँ सीधा आपको बाइक पर कि अपन ने कहाँ कहाँ क्या कौन सा माउंट लगाया है और क्या क्या रील बनने वाली है, वो आप आइडिया लग जाएगा आपको हल्का फुल्का। तो चलते हैं सीधा, चलो बाइक पर आपको दिखाते हैं कुछ माउंट्स के अपन ने कहाँ कहाँ ऐड ऑन किए, लेट्स गो। सो भाई लोगों, हेयर इज अवर ब्लैक मॉन्स्टर। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपन ने माउंट कहाँ कहाँ लगाए हैं, क्या क्या किया है। तो चलो जी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई लोगों, यहाँ अपन ने लगाया ये पहला माउंट अपर मड गार्ड पर। तो यहाँ से एक स्टिक लगा के एक अच्छा सा मतलब फुटेज लेना पड़ेगा अपने को मस्त वाला। और एक लगाया भाई ये साइड में माउंट, आप देख रहे हो, तो ये माउंट से भी बहुत सेक्सी सेक्सी रील्स वगैरह सब बनाने वाला हूँ। और भाई लोगों, एक लगाया ये वाला माउंट, इस पर अपना वर्क करेगा 360 लॉन्ग स्टिक लगा के। और एक बैक गोप्रो के लिए लगाया यहाँ पर एक माउंट, मतलब फुल ऑन। तो अब आप समझ लो भाई, तो अब समझ जाओ भाई कि किस लेवल पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बस साथ में बने रहना, अपना प्यार बनाए रखना, फुल ऑन मज़े आने वाले हैं, चकाचक जिंदगी जिएंगे भाई, फुल ऑन मज़े दिलवाने वाला हूँ इस व्लॉग में अब आपको। तो भाई 4-5 पेयर तो रखे मैंने अपने कपड़े, और एक एक्स्ट्रा पेयर शूज़ रखा है, एक एक्स्ट्रा पेयर स्लीपर्स रखे हैं, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स एंड इनोवियर्स एंड राइडिंग गियर्स वहाँ अपने पड़े हुए हैं, साइड में आपको दिख रहे होंगे राइडिंग गियर्स और इनर वार्मर वगैरह सारा कुछ उसके साथ जो अपन लेके चलने वाले हैं, जो पहन के चलने वाले हैं। तो ये व्लॉग्स आने वाले बहुत अल्टीमेट होने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी था इस व्लॉग के लिए, ये व्लॉग छोटा होने वाला है, बस इसमें पैकिंग वैकिंग का ही बताना था जो मैंने बता दिया आपको। एनीवेज भाई लोगों, सो भाई लोगों, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और इजाज़त चाहूँगा मैं आपसे क्योंकि अभी बथेरे काम पड़े हैं मेरे पास, मेरे को बहुत काम करने हैं। तो बस अभी निकल ही रहा हूँ घर से काम वाम करने के लिए, तो तब तक के लिए चाहता हूँ भाई लोगों आपसे इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।